राम राम जी। आज आप लोगों का स्वागत करते हैं लाला जी का ढाबा में। आज दोस्तों एकदम बनाने वाले हैं बिल्कुल देसी, बिल्कुल हेल्दी। और ये साग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कहीं भी मिल जाता है। आप बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली कहीं भी रहते हो ये साग मिल जाता है। वो है कर्मी का साग, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इसको जब भी मिले एक दो बार ज़रूर खाइएगा। लेकिन हम लोग यहाँ आए हैं खेतों में, देखिए चारों तरफ धान बोया हुआ है और ये अभी बरसात एक ही दो दिन हुआ है तो छोटा मोटा गड्ढा में पानी आया है। बड़े बड़े गड्ढे अभी खाली ही हैं। तो इसमें जहाँ पानी लगता है वही कर्मी का साग होता है। तो यहाँ से ये देखिए, इसे थोड़ा सा गड्ढा है, इसी में कर्मी का साग है। तो चलिए हम साग लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा होता है और कितने पानी में होता है और किस तरह इसको तोड़ते हैं। खाजा है इसका रस, सब लोग बना के खाते हैं। लेकिन हमारे घर के पास ही है तो वहाँ से हम ले चलेंगे। यहाँ पर कौन ढोक ले जाएगा, मगर इसमें जितना पक जाता है गिर जाता है। जब कच्चा खाजा नहीं खाएंगे ना तो गिर के और फिर पेड़ बन जाता है। तो यहाँ देखिए एकदम फ्रेश फ्रेश गिरा पड़ा है, बहुत सारा गिरा पड़ा है। क्या बात है भाई। तो यहाँ आके ले चलेंगे यहाँ से, क्योंकि खेत में वहाँ कौन जाएगा लेने के लिए। यहाँ पे गिरा पड़ा है तो यहीं से उठा लेंगे दो चार उधर से। अच्छा ड्रैगन फ्लाई है, देखो देखो कितना आ गया ये देखो। यहाँ पे देखिए ये सारे जो गड्ढा का पानी है ना, इसमें सारा कर्मी का साग हुआ पड़ा है। आइए आपको दिखाते हैं कहाँ कहाँ से हम तोड़ेंगे। देख रहे हैं पानी का साग है और इतना फ्रेश साग और इतना हेल्दी, तो पूछिए ही मत कि कितना हेल्दी है। देख रहे हैं इसी तरह हम सारा साग को तोड़ के इकट्ठा करते हैं। एकदम पानी भरा पड़ा है इसमें, वैसे तो पानी बहुत होना चाहिए लेकिन पानी अभी हुआ बहुत कम है। अगर पानी ज़्यादा होगा उतना ही साग ज़्यादा होता है। ये घास नहीं साग है, साग मैंने घास को हटाते जाना है और साग को तोड़ते जाना है। एकदम फुजनी फुजनी तोड़ेंगे, एकदम मुलायम मुलायम। तो यहाँ पे इतना तोड़े हैं अभी और टोकरी भर देते हैं तोड़ तोड़ के और दिखाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सा बेरा का फूल है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए बेरा का फूल है, इसकी भी दो तीन रेसिपी बनानी है लेकिन आज फूल ले चलेंगे जरूर। ये तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, दिख रहे हो ना ऐठा है ये, अभी रहना तो छोटा छोटा है। तो देख रहे हैं ना इतना ही पानी था घुटना तक बस, और ये साग हमारा हो गया है आधा किलो से ज़्यादा ही है, इतना ही में हो जाएगा काम। एक बार थोड़ा लंबा था।
जो इनका खुशबू है ना इनको बढ़िया लग रहा है इस वजह से इधर। तो जहाँ जाइएगा ना तरकुल के पेड़ के पास वहीं खाजा गिरा होगा। तो चार पाँच हज़ार रुपये, हम लोग पाँच आदमी है ना, तो पाँच हज़ार रुपये हैं, देखते हैं ताज़ा कौन सा गिरा हुआ है। ताज़ा गिरा हुआ अपने आप समझ में आ जाएगा, ये देखिए यही ताज़ा है, ये भी ताज़ा है। अरे भैया चार ही आ रहा लकी, एक गिर जाएगा लग रहा है क्या। चलो भैया अब इस पर रख ले के चलते हैं। चलिए अब नाश्ता वास्ता करते हैं और उसके बाद खाने के लिए बनाते हैं। तो नहा धोवा के फ्रेश हो गए हैं, अब चलते हैं इनको दिखाएंगे कितना बढ़िया साग है। ये देखिए साग, देखिए कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर लकन लकन है। तारा खाती गिफ्ट लेके आई है, कैसन गिफ्ट भाई देखा, खाई तो खुश हो जाएगी। अरे वाह, खुशबू तो बड़ा तगड़ा आ रहा है। दोस्तों देखिए कैसा कैसा हमको गिफ्ट देते हैं, ऐसा गिफ्ट देते कहीं नहीं मिलने वाला है। चलिए उसका उसका भाजी बना के खिलाइए, मैं रोटी बना दी हूँ, मैं रोटी बना दी हूँ, देखिए। तो जो बाजार से भाजी खरीद के लाएंगे ना तो उसको साफ करना पड़ता है, लेकिन इसमें एक भी घास नहीं है क्योंकि हमने पानी में से तोड़ रखा है इसको, तो बिल्कुल ही देख रहे हैं एक घास नहीं है। तो आप काट के धोए या धो के काटे वो आपके मर्जी के ऊपर है। सबको काटेंगे एक लाइन में लगा देते हैं, पहले एकदम मुलायम है पूरा, देखिए इतना मुलायम तोड़े हैं, एकदम बिल्कुल मुलायम है। रोटी में घी लगा देती हूं, इसको एकदम बारीक बारीक काटेंगे इस तरह से, मस्त है ना। बहुत हेल्दी है, तो ये सबसे बड़ा बात है कि हर जगह मिल जाता है। तो इसको आप बनाइए, रोटी के साथ खाइए या दाल भात पे भी आप इसको बना सकते हैं, दाल चावल बनाते हैं तो भी बना सकते हैं। इसे काट दिए हैं, एक बर्तन में रख देते हैं। इस साल हो गया चूल्हा फूकते 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 फूकते। अब इसको दो तीन पानी हम धो देंगे। अब हमारा के गोल गोल रोटी ना बनी कहे, बहुत दिन हो गए बनाते बनाते, लामा दामा बना दो क्या दिक्कत है। ये देखिए कैसन रोटी बना रहे हैं, बिना मन के भी कर्म पट्टी में से अंगूर लाम लाम कहत रहे तो वैसे तो कही रहे गोल ना बेलाई हमारा से। देखिए दोस्तों कितना सुंदर रोटी बनाई हूँ, ऐसा ऐसा रोटी कौन कौन बनाता है मैं कमेंट करें। मैं तो बनाता हूँ मम्मी। ये देखिए जैसन आप हमारे रोटी में घी लगा देंगे हम आपका सब्जी में तड़का लगा देंगे। नहीं नहीं हम देखिए लहसुन छील दे रहे हैं आपका, क्या करना हमें रोटी में घी लगा, एक हाथ दो तो एक हाथ लो, आजकल सराफत का जमाना नहीं है।
से रुपया न बिलाइए गणेश के पापा नैहर जात बनी। कौन तरह का बर्तन दाम रखी हमसे रुपया न बिलाइए लक्की के पापा नैहर जात भाई। इसको मत लगाइएगा हमारे उतरना उतरना बहुत सारे जानवर खा जाएंगे। क्या बोले हम समझ में आया आपको? थोड़ा उतना घी नहीं खाली इसको टच कर रही है। टच करने से ठीक नहीं लगता। घी तो खाली टच कर दीजिए बस उतना ही बहुत है। उतना ना एक बस 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 बहुत। अरे बस कितना रोटियां में जाएगा चाहिए उतना घी में छः महीने चलाना है हमको नहीं पता। घी हम सामने रोटी के पास रख के और उसको देख के खा के महसूस करवा सकते हैं अपने बाल बच्चों को घी लगा हुआ है। महसूस कराने का काम तो टेस्ट भी तो आना चाहिए। अरे बस आ जाता है टेस्ट। ढक्कन खोलोगे तो खुशबू आ जाएगा। इसका ढक्कन बंद कर दो खोलते खोलने के बाद आ जाता है। कढ़ाई हमारा गरम हो गया है देख रहे हैं कितना बढ़िया। इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों का तेल थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा। हमारा से चिलो ना फुकाई तो तेल गरम हो गया है। इसमें लहसुन और मिर्चा डालना है। लहसुन एक गांठ कूट दही डंडा से मुसर हो जाएगा। बेल कहाँ चला गया है देख रहे हैं। तड़का भून गया है। इसमें चना और चना के दाल में धीरे को डाल सकते हैं। भाभी इतना जल्दी गलेगा। इसमें चना का दाल चना या आलू भी डाल सकते हैं अगर क्वांटिटी बढ़ाना है इसका तो। चना दाल चना या आलू कुछ भी डाल सकते हैं अगर साग पूरा है तो कोई दिक्कत ही नहीं। और देखिएगा कितना जल्दी ये गल के कितना कम हो जाएगा। मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। ढक्कन से कवर करके इसको गलने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये गल जाएगा ना तब इसमें हम नमक डालेंगे। तो मुझे और क्या चाहिए नमक स्वाद अनुसार चाहिए। तो सब्जी उधर बन रहा है जब तक सलाद काट देते हैं। ये खाना खाने से पहले हम सलाद खाएंगे उसके बाद रोटी और करमी का साग खाएंगे। देख रहे हैं कितना बढ़िया करमी का साग बन गया है। और इसको निकाल लेते हैं बाउल में। याद आ गया दोस्तों काम। सलाद खाने का समय हो गया है। हेलो पति देव गिफ्ट लाए हैं। देखिए क्या बात है भाई पके हुए एकदम खुशबू से ना ऐसे आते हैं क्या दे इसका खुशबू बहुत दूर तक फैलता है। इसका छिलका उतारना है। छिलका बड़ा सॉफ्टली भगवान जो बनाए है ना प्रकृति का दिया हुआ चीज ना
क्या जबरदस्त लुकट गाइस है, खा के नहीं होंगे भैंस। ऐसा फ्लावर बना के हम भी अपने पति को दे देते हैं गिफ्ट। अब इसका झोंटा में फंसा दो लकड़ी। झोंटा में फंसा के इसको पकड़ लीजिए, पेर दीजिए। आप सोचेंगे कि ये क्या कर रही हूँ मैं, तो इसको ऐसे ही खाया जाता है, समझे हैं? आपको दिखाते हैं, हम बचपन में बहुत खाए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, टेस्ट कर लीजिए। इसमें इकट्ठा करके भी खाते हैं हम लोग, बचपन में बहुत खाते हैं, इसमें इकट्ठा करके रख देते थे। जो ना खाए वो पछताए, जो खाए वो भी पछताए। अब यहाँ का ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से निकाल दीजिए, फिर दूसरा जगह डालिए। बड़ा मज़ा आता है इसको खाने में। मैं तो बचपन में ना खूब जाता पीसती थी। मेरा लड़का बोल रहा है ये क्या कर रही हो, क्योंकि ये लोग जब छोटे थे तो मैं गांव लेके आती थी, इनको समझ नहीं आता था। अब समझ आता है तो बोलते हैं ये क्या कर रही हो मम्मी। ये देखिए इतना मीठा। तो ऐसे करके चक्की चलाते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप बोलेंगे कि अकेले खा जाएंगे क्या पूरा, बिल्कुल नहीं, अपने हस्बैंड को खिलाऊंगी। ये देखिए जी, आपका दिया हुआ गिफ्ट हम क्या कर दिए। आना है तो जल्दी आइए, नहीं तो सब खा जाऊंगी। ले लीजिए, मैं कितने सालों के बाद आज खा रहा हूँ। मेरे को गिफ्ट देने के लिए लाए हैं, ले लीजिए। तो रखा कटोरी में, वो खा लिया कटोरी में, इकट्ठा करने को बोल रहे हैं। ये वाला कटोरी में, इसमें इकट्ठा करते थे हम लोग, बचपन में बहुत खाई हूँ। बचपन के दिन कितने दोस्तों को याद आ गया बताइएगा। तो दोस्तों मैं सब खा गई, बच्चे भी आ गए हैं, इनको भी खिला दी। देखिए कैसे हमारे हाइजीन बच्चे हैं, कौन कितना खाया है ये आपको ब्लॉग वाला चैनल पर देखना पड़ेगा। हमारा चैनल का नाम है अनीता जी की दुनिया दुनिया। तो करबी का साग तो बन ही गया है, और थोड़ा लाने में टाइम लग गया, लेकिन इसके साथ हम ले आए थे खाजा, इसको बोलते ही है खाजा। और जब से लाया है तब से खाए जा रही है, खाए जा रही है, खाए जा रही है। ये देखिए जिसकी, देखिए दोस्तों अब ये मत बोलिएगा कि हाइजीन नहीं, हाइजीन फूल है ये, प्रकृति का दिया हुआ है फूल हाइजीनी। और इसको खाने में जो मजा आता है ना, ये तो कोई बच्चा ही समझ सकता है। तो इसके लिए आपको बच्चा बनना पड़ेगा, कहते नहीं है जिसकी हस्ती बाकी है, जिसकी हस्ती नहीं है उसकी बस्ती नहीं है। तो टेस्ट करके बताते हैं कि साग कैसा बना हुआ है। जैसा कि चौलाई का टेस्ट आता है ना, उसी तरह से इसका भी टेस्ट है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है, इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। हमें आप लोगों के लिए और कौन कौन सा रेसिपी बनाना है वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताते रहिएगा। हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये रेसिपी देखने के लिए दिल से धन्यवाद। तो हम फिर मिलते हैं नई और आसान रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी। तो भाई करमी का साग आ चुका है प्लेट में, अब जाएगा पेट में। तो भाई पापा सुबह सुबह लेकर आए थे, लोग खा के बताएंगे कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, करमी का साग ना बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। और हो गया, पोहे हो गया, चौलाई हो गया। जब मैं सर्विंग करा रहा था ना, तभी मुझे खुशबू आ गई थी।
बढ़िया बनाया हमने। और ललित भाई बढ़िया बनाया? बहुत बढ़िया।